मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरबा जिले जहां आए दिन विभिन्न प्रजातियों के सांपों का मिलना आम बात हो गया है, वहीं दूसरी ओर कोरबा शहर के इमली डुग्गी नामक क्षेत्र से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जहां ये युवक सांप को नशे की हालत में गले में लपेटकर पूरे क्षेत्र में घूम रहा था। इसी घटना की सूचना क्षेत्र में रह रहे कुछ लोगों के द्वारा RCRS संस्था के अध्यक्ष अविनाश यादव को दी गई, जिसके बाद देरी न करते हुए अविनाश यादव घटनास्थल पर पहुंचे। लोगों ने बताया कि क्षेत्र में एक सपेरा सांपों को लेकर घूम रहा था, तभी नशे के हालात में एक युवक ने सांप को सपेरे से छीन लिया और उसे गले में लपेटकर पूरे क्षेत्र में भ्रमण करने लगा और आसपास के रह रहे बच्चों को भी सांप दिखाने लगा। युवक के द्वारा जिस सांप को सपेरे से छीना गया वे एक कोरबा सांप था, जिसे हिंदी भाषा में नाग सांप कहा जाता है। हालांकि इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि होने की घटना सामने नहीं आई है, क्योंकि अक्सर सपेरों के द्वारा सांपों का विष जहर निकाल दिया जाता है और उनका दांत भी तोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से ये कोई भी घटना नहीं हो पाई। पर कई बार सपेरे जंगल में नया सांप पकड़ ले आते हैं, तब ऐसी घटना हो सकती है और किसी की जान भी जा सकती है। अविनाश यादव के द्वारा युवक को पकड़ के समझाइश देते हुए उससे सांप को छीन लिया गया। इस सफलता पूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया और क्षेत्र में रह रहे रहवासियों को सांपों के बारे में सही जानकारी देते हुए सर्प सपेरे को आइंदा से सांपों को लेकर घूमने के लिए मना किया गया। सफलतापूर्वक रेस्क्यू के बाद अविनाश के द्वारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचित करते हुए सांप को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। जैसे कि हम सभी जानते हैं, बरसात का मौसम आ चुका है और ऐसे मौसम में अक्सर सांप एवं अन्य जीव जंतुओं का निकलना और पाया जाना बढ़ जाता है। ऐसी घटना भी घटना होने से सांपों या अन्य जीव जंतुओं को मारे नहीं बल्कि हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर और उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कराएं। हेल्पलाइन नंबर संपर्क करें अविनाश यादव 9827917848, 9009996789, 7987957958 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं अविनाश यादव RCRS। जैसा कि आज हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक नशे में धुत व्यक्ति एक कोबरा सांप को अपने गले में लपेट के घूम रहा है और कभी बच्चे लोग के गले में डाल रहा है, तो कभी ट्रक वालों के सामने खड़े होके उनकी गाड़ी को रुकवा के उनसे पैसा मांग रहा है, ये सब काम कर रहा था। तो वहाँ से हमें फ़ोन आया इमली डुब्बू से, सीतामढ़ी के पास है जो, वहाँ फिर हम गए मैं और गौरव गर्ग। उसके बाद वहाँ हमने उस व्यक्ति से सांप को लिया और उसे समझाइश दी, क्योंकि कभी कभी क्या है, सपेरे से छीना हुआ एक सांप था, सपेरे के पास कभी कभी एकदम फ्रेश तुरंत रेस्क्यू किया हुआ कोबरा रहता है, जिसके दांत और वेनम ग्लैंड नहीं निकाले होते। इस केस में अगर वो वाले सांप अगर उसके अपने गले में लटका लिया रहता तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो इस तरीके का वाकया आज हमें देखने को मिला और हम कोरबावासी से यही कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह की का कहीं भी वाकया होता है तो आप हमें RCRS टीम को या वन विभाग को सूचित कर सकते हैं, आप तक सेवा जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। धन्यवाद।